मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बायो का चैप्टर आगे कंटिन्यू करूंगी। इसमें हमारा अगला का टॉपिक जो है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड विद अ वैरायटी ऑफ पेस्ट। क्रॉप फील्ड में क्रॉप वीड्स, पेस्ट, इंसेक्टिसाइड तथा डिजीजेस से इफेक्टेड होती है। यदि समय रहते खरपतवार या वीड्स तथा पैट्स को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये लगभग 50 से 70% तक नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी क्रॉप में पेस्ट को क्रॉप प्लांट इंक्लूड करते हैं। जो पेस्ट होती हैं वो कौन कौन से जो होती हैं पेस्ट, उनके नाम हैं वीड्स, इंसेक्ट, माइट्स, नोमेटोड्स, रोडेंट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके द्वारा डिजीजेस और इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें से एक मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव मेथड को हम यूज़ करते हैं वो है पेस्टिसाइड्स और बायोसाइड्स, जिसमें कि इंक्लूड करते हैं इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए, विडिसाइड्स यानी वीड्स को किल करने के लिए, तथा फंगिसाइड्स यानी जिससे फंजाई को हम किल करते हैं। इसलिए केमिकल जैसे पेस्टिसाइड को फसलों के पौधों पर स्प्रे करते हैं या सॉइल और सीड्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनके यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके यूज़ से इनमें जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। और साथ ही साथ अगर इन वीड्स को कोई जानवर या एनिमल्स खा लेते हैं तो वो उनके लिए भी जहरीला साबित होता है। इसलिए हमें अपनी फसल का शुरू से ही रख रखाव या प्रिवेंट करनी चाहिए ताकि पेस्ट द्वारा इन्फेक्टेड ना हो पाए और इनमें हमें पेस्टिसाइड ना यूज करने पड़े। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर टू पेस्ट आर द फॉलोइंग। इसमें पहला है क्रॉप प्लांट्स की रेजिस्टेंस वैरायटी को यूज करना चाहिए। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स। थर्ड है क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। फोर्थ है क्लीन कल्टीवेशन। फिफ्थ समर प्लगिंग। समर प्लगिंग मतलब अगर हम गर्मियों में खेतों को अच्छे से प्लग कर दें, जोत दें, तो उसमें जो वीड्स होंगे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो मिट्टी में नीचे दब जाएंगे। जैसे कि ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट रिगार्डेड एज मोर फेवरेबल फॉर इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खरीफ क्रॉप जैसे मक्का, बाजरा आदि ज़्यादा प्रॉन है या प्रवृत्त हैं इन रबी क्रॉप से, जैसे गेहूं, चना, गन्ना, मटर आदि। नेक्स्ट है हमारा वीट कंट्रोल। वीट को अनचाहे या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल को के साथ उग जाते हैं। ये वो पौधे होते हैं जिनको हम अपनी क्रॉप के रूप में नहीं उगाते हैं और अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम वीट्स कहते हैं। वीट्स फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस एंड लाइट के लिए कंपीट करते हैं हमारे फसल के पौधों के साथ। वीड्स न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं जिससे क्रॉप प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है और सारा सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स वीड्स ले लेती हैं। वीड्स के सीड क्रॉप को सीड की अपेक्षा जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं। इनमें फ्लावर भी जल्दी आ जाते हैं। इससे वीड में सीड प्रोडक्शन भी जल्दी होने लगता है जैसे ही ये थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं और फसल कमजोर हो जाती है जिससे अच्छी पैदावार नहीं होती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए इनिशियल स्टेज में ही वीड्स को खेतों से निकाल देना चाहिए ताकि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सके। और अन इरिगेटेड कंडीशन होती है तो वीड्स वाटर अवेलेबिलिटी के लिए इफेक्ट करती है, और इरिगेटेड कंडीशन में वीड्स कम्पीट करती हैं क्रॉप प्लांट से न्यूट्रिएंट्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर बार्ले या मस्टर्ड प्लांट्स वीट की तरह काम करते हैं गेहूं के खेत में, यानी कि गेहूं खेत में अगर बार्ले या मस्टर्ड उगती है तो वो वीट की तरह काम करती है। बार्ले और मस्टर्ड कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स यानी वीट से न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि वाइल्ड सॉर्गम उग जाता है सॉर्गम या ज्वार की फसल के साथ। वाइल्ड मतलब जंगली सॉर्गम, जंगली ज्वार जो होता है वो अपने आप ज्वार की फसल के साथ उग जाता है, जिसको हम वीड्स की तरह एक्ट जो कि वीड्स की तरह एक्ट करता है और ये ज्वार के साथ न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए कंपटीशन करता है। टाइप्स ऑफ वीड्स।
रबी की फसल की अपेक्षा खरीफ की फसल में बीट्स ज्यादा ग्रो करती है। मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अनुसार बीट्स को दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, पहला है नैरो लीफ बीट्स, दूसरा है ब्रॉड लीफ बीट्स। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है बीट्स, एक तो नैरो लीफ बीट्स है जिसको हम मोनोकॉट बीट्स बोलते हैं, दूसरा है ब्रॉड लीफ बीट्स जिसको हम डाइकोट बीट्स बोलते हैं। तो नैरो लीफ बीट्स जो होती है इनको दो भागों में बांटा गया है, खरीफ सीजन बीट्स यानी कि खरीफ जो फसल उगती है उनके लिए, और जो रबी सीजन बीट्स है उनके लिए। एग्जाम्पल आपका साइप्रस, और ये इनके सारे ये एग्जाम्पल है, वाइट सोरगम और वाइल्ड ओट, ये आपका है रबी सीजन का। अगला है हमारा ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ी पत्तियों वाले डाइकोट बीट्स जो होते हैं डाइकोट्स, इसमें भी दो हैं आपके, खरीफ सीजन बीट्स और रबी सीजन बीट्स। खरीफ में है एमरेंथस, ट्राइनथ और जेंथियम, ये आपके खरीफ के हैं, और रबी के हैं आपके ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कॉन्वरुलस, पेरेथियम और ये सारे सिनोपोडियम वगैरह। अब अगला है हमारा मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल। इनमें कई तरह के मेथड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे पहला है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड इसमें अप रूटिंग वीडिंग खुरपी या हैरो द्वारा करते हैं, हैरो कंघे की तरह कॉम्ब की तरह होता है, हैंड होइंग, इंटरकल्चर प्लगिंग बर्निंग एंड फ्लूडिंग मेथड इंक्लूड होते हैं इसमें। यानी कि मैकेनिकल मेथड में इसमें ये इंसान के द्वारा किया जाता है, या तो वो वीड्स को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देते हैं या खुरपी वगैरह के को यूज़ करके उसको निकाल देते हैं खेतों में से। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में क्या होता है कि इसमें प्रॉपर बेड प्रिपरेशन जो होते हैं, समय से फसल को बोना, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन मेथड इंक्लूड होते हैं। थर्ड है हमारा केमिकल मेथड। ऐसे केमिकल जो वीड्स को मार देते हैं इनको हम हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स बोलते हैं, इनको हम स्प्रेड करते हैं वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। वीडिसाइड्स के सम एग्जाम्पल हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएस्टिक एसिड, एट्राजीन, फ्लोकोराइलिन और आइसोप्रोट्यूरॉन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। अब है हमारा इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वीड्स क्रॉप प्लांट्स के साथ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के लिए कंपटीशन करते हैं, जिससे वीड्स सारा न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेती है और क्रॉप प्लांट्स को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाने के कारण उनकी ग्रोथ कम हो पाती है। सेकेंड है हमारा वीड्स क्रॉप पेस्ट्स एंड डिजीज को बढ़ावा देते हैं या बढ़ाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के लिए एक होस्ट की तरह काम करते हैं। थर्ड हमारा कुछ वीडिसाइड्स टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ पर प्रभाव डालती हैं। फोर्थ है हमारा हार्वेस्टिंग के समय वीड्स क्रॉप प्रोड्यूस के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्रॉप प्रोड्यूस की क्वालिटी कम हो जाती है, यानी कि जो हमें फसल मिलती है वो नीचे ग्रेड की हो जाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। अब अगला हमारा टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल तीन तरह के पौधों पर आक्रमण करते हैं। जैसे पहला है हमारे च्यूइंग इंसेक्ट, यानी कि ये रूट्स, स्टेम तथा लीव्स को काट देते हैं अपने च्यूइंग माउथ के हेल्प से, जैसे लॉक्यूट्स, ग्रास होपर, कैटरपिलर, ग्रब्स एट्सेट्रा। सेकेंड हमारा सकिंग इंसेक्ट, ये प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स की सेल से सक कर लेते हैं, जैसे एफाइड्स, लीफ होपर्स, प्लांट्स बग्स एट्सेट्रा। थर्ड है हमारे इंटरनल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स प्लांट्स के अंदर रहते हैं, जब ये ट्विंग्स या रूट्स में रहते हैं तो ये बोरर्स कहलाते हैं, जैसे सुगर केन में रहेंगे तो सुगर केन बोरर्स कहेंगे। जो सीड्स और फ्रूट पर अटैक करते हैं उसे वीविल्स कहते हैं, जैसे कॉटन बॉल वीविल, कॉटन बॉल वीविल्स एंड ग्रीन वीविल्स। द मैगॉट ऑफ फ्रूट्स फ्लाइज लाइक इनसाइड द फ्रूट्स, जैसे ग्वावा, बियर, करेला, घिया, तुरई एट्सेट्रा, और इत्तेफाक से ये हमारे खाने योग्य नहीं हो पाते हैं।
अगर ये इसमें रहते हैं, जैसे हम देखते हैं कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा फ्रूट्स वगैरह, जैसे आप खाते हो तो फ्रूट खाने चलते हो, काटते हो उनको, तो उनमें से कीड़े निकल आते हैं, तो वो इसी तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। अगला है हमारा इन्फेस्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला हमारा सॉइल में इंसेक्टिसाइड्स मिक्स करके रूट्स कटिंग टाइप्स इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा स्टेम और लीफ कटिंग एंड बोरिंग टाइप्स इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल हमारा मेलाथियन, लिंडेन एंड थायोडेन। थर्ड है हमारा सभी प्रकार के सैप सकिंग इंसेक्ट को स्प्रेइंग सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा डाइमिथाइलेट एंड मेटासिस्टॉक्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। आपका इतना मैंने करवा दिया। हमारा अगला टॉपिक रहेगा डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। एक एक करके टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जो मैं असाइनमेंट दूंगी उसको सभी बच्चे करके मेरे पास नहीं भेज रहे हैं, सभी लोग करके मेरे पास भेजो, ठीक है? आगे का हमारा जो होगा वो अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।